एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर करती? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी।